हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया की मेजर एयरलाइंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन मार्केट है। पूरी दुनिया में थर्ड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा डोमेस्टिक सिविल एविएशन मार्केट है दुनिया का। तो आइए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो रिस्पॉन्सिबल है जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसमें जितने भी नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लागू किए जाते हैं इंडिया में उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? राजीव गांधी भवन, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो आइए कुछ एक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने एविएशन की फील्ड में काफ़ी चेंजेस लाए हैं, काफ़ी जो कहते हैं रिवोल्यूशनरी जो एक्ट्स थे वो कौन कौन से। तो 1953 में आया था एयर कॉरपोरेशन एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या कर दिएगा कि जितनी भी उस टाइम पे डोमेस्टिक एयरलाइंस थी, 8 थी, उनको मर्ज करके 2 में मर्ज उनको कर दिया। और वो किसने ऑन कर ली? गवर्नमेंट ने। तो बेसिकली क्या किया गया था कि जो 8 डोमेस्टिक एयरलाइंस थी उनको मर्ज करके 2 गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइंस में बदल दिया। और वो 2 कौन कौन सी थी? एक तो एयर इंडिया इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल ट्रैवल करवाती थी, और दूसरा क्या है, इंडियन एयरलाइंस, तो डोमेस्टिक सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो फिर आया हमारा 1994 में, और ये उसी का एक रूप था जो 1953 में जो एक्ट आया था उसी को रिपील किया था। तो इसमें क्या बोला गया कि जितने भी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो नॉन शेड्यूल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकती हैं, उनको अलाउ कर दिया गया, लेकिन एक एयर टैक्स स्कीम के अंडर उनको एक एयर टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या है, चार्टर एंड नॉन शेड्यूल सर्विसेज थी वो प्रोवाइड कर सकती थी। फिर आया हमारा 5/20 रूल। तो 5/20 रूल क्या था कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 20 एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए। देखो ना, इससे ही पता लग रहा है कि 5 से 5 साल का एक्सपीरियंस और 20 एयरक्राफ्ट्स तो होने चाहिए किसी भी प्राइवेट कैरियर के लिए ओवरसीज सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस के पास 20 एयरक्राफ्ट होने चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर आया हमारा 0/20 रूल। देखो वैसा ही है, उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, इसमें 0। तो 20 एयरक्राफ्ट होने चाहिए लेकिन एक्सपीरियंस 0 भी चलेगा। आइए एयरलाइंस करते हैं मेजर कौन कौन सी इंडिया की। तो सबसे पहले हमारी इंडिगो। इंडिगो है लार्जेस्ट लो कॉस्ट कैरियर इन इंडिया, सबसे बड़ी एयरलाइंस है लार्जेस्ट। और ये फाउंडेड है 2005 में, फाउंड किया था किसने? राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवाल ने। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? गुरुग्राम में है। और आईटा कोड 6 है। आईटा क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये एयरलाइंस को एक कोड प्रोवाइड करवाती है, 2-लेटर कोड होता है। तो इंडिगो क्या है? 6E है। और स्लोगन क्या है? गो इंडिगो। देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई किसी भी पार्टिकुलर एयरलाइंस का स्लोगन क्या है, तो स्लोगन क्या है इसका? गो इंडिगो। ये इसका लोगो है, ये इसका प्लेन है, देखो पीछे इंडिगो लिखा है, इससे पता लग जाता है कि कोई भी हवाई जहाज है वो कौन सी एयरलाइन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारी एयर इंडिया, ये सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइंस है इंडिया की। और ये 1932 में फाउंडेड है बाई जे आर डी टाटा, जो उन्होंने स्टार्ट की थी और टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू हुई थी। फिर इसको जब नेशनलाइज किया गया तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया? एयर इंडिया कर दिया। और इसकी जो अदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं? राजीव बंसल जी जो चेयरमैन एंड MD एंड प्रदीप सिंह खरोला CEO। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जो एयरलाइंस हाउस है दिल्ली में, वो इसके हेडक्वार्टर्स वहाँ पे। तो सब्सिडरीज क्या हैं? एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड अलायंस एयर, ये इसकी सब्सिडरीज हैं। एंड आईटा कोड क्या है इसका? AI। देखो ए से एयर, आई से इंडिया, ऐसा भी याद कर सकते हो। तो एयर इंडिया का जो आईटा कोड क्या है? AI। स्लोगन क्या है इसका? योर पैलेस इन द स्काई। तो ये इसका लोगो है, ये इसकी प्लेन है। नेक्स्ट हमारा स्पाइस जेट, ये हमारी थर्ड है एयर इंडिया की आती, सेकेंड थी ये हमारी, थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइंस है इंडिया में।
और फाउंडेड है 2004 में। फाउंडर कौन थे इसके? अजय सिंह थे और भूपेंद्र सिंह कंसागरा, इन दोनों ने इसको फाउंड किया था। और हेड क्वार्टर्स इसके गुरुग्राम में है। आई ठाकुर इसका एसजी है, SS Spice, तो एसजी इसका आई ठाकुर हो गया। और इसका स्लोगन क्या हुआ? रेड हॉट स्पाइसी, तो इसका लोगो है, ये प्लेन है। तो ये थी हमारी स्पाइस चैट। नेक्स्ट आता है हमारा गो एयर। तो ये फोर्थ नंबर की लार्जेस्ट एयरलाइंस है इंडिया की। फाउंडेड है 2005 में किसके द्वारा? जयवालिया इसके फाउंडर थे और CEO विनय दुबे। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है। आईटा कोड इसका G8 है। गो एयर तो जी इसका उठा लिया और गो एयर से गो, G8 इसका आईटा कोड है। तो स्लोगन इसका फ्लाई स्मार्ट। देखो ये इसका लोगो है और ये इसकी प्लेन है। तो जो प्लेन की जो टेल होती है वहाँ से आइडिया लग जाता है ये कौन सी प्लेन कौन सी एयरलाइन से बिलोंग करती है। फिर आती है हमारी एयर एशिया इंडिया। तो जो एयर एशिया इंडिया ये क्या है? जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स एंड एयर एशिया ऑफ मलेशिया। जो एयर एशिया एयरलाइन है वो मलेशिया की है। तो एयर एशिया ऑफ मलेशिया एंड टाटा सन्स है जो इन्होंने मिल के इनका एक जॉइंट वेंचर है एयर एशिया इंडिया। तो ये क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट एयरलाइंस है इंडिया की, फिफ्थ नंबर की आती है हमारी ये। 2013 में फाउंडेड है। टोनी फर्नांडिस एंड सुनील भास्कर इसके फाउंडर। हेडक्वार्टर्स के बेंगलोर में है। पेरेंट कंपनी कौन कौन सी है? टाटा एंड एयर एशिया ग्रुप। तो जॉइंट वेंचर इन्हीं के अंडर आएगी है, टाटा सन्स एंड एयर एशिया मलेशिया वाली। तो दोनों ने मिलकर मर्ज करके क्या बन गया? एयर एशिया इंडिया। एयर एशिया मलेशिया वाली इंडिया लगा के ये टाटा वाला हो गया। तो इसका आईटा कोड क्या है? I5। और स्लोगन क्या है इसका? एवरी वन कैन फ्लाई। तो इसका लोगो है, ये इसकी प्लेन है। तो गाइज ये थी मेजर एयरलाइंस इन इंडिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।